हरप्रीत जैसा कोई आपको मिल गया, अगर आपने ध्यान रखा हो तो फिर आपको पता है आप कैसे कैसे पॉइंट्स ले सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने जो फैंटेसी टीम में। ओके तो फिर दिल्ली से चलते हैं सीधा अहमदाबाद की तरफ, हमारा नॉर्दर्न डर्बी, जहां आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स से सीधा इन फॉर्म प्लेयर्स पे आते हैं पंजाब, और दिल्ली का मुकाबला हो रहा है अहमदाबाद में। एक तरफ है केएल राहुल, दूसरी तरफ है ऋषभ पंत। तो टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ, केएल राहुल, शिखर धवन, क्रिस गेल और पृथ्वी शॉ, सारे के सारे ऐसे धुरंधर जो बॉल को सीधा आउट ऑफ द स्टेडियम मारते हैं। दर्शक सभी जानते हैं कि क्यों है टॉपिक्स, क्योंकि इतने सालों से ये जो 14th ईयर है आईपीएल का, पूरे आप अगर देखेंगे तो ये हर सीजन में कंसिस्टेंट रहे सारे प्लेयर जो भी है, तो इसी की वजह से ये हमारे टॉप पिक है। चलिए प्रो टिप इस मैच के लिए प्रज्ञान। प्रो टिप, कान 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 रखिए, हरप्रीत जैसा कोई आपको मिल गया, अगर आपने ध्यान रखा हो तो फिर आपको पता है आप कैसे कैसे पॉइंट्स ले सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने जो फैंटेसी टीम में। तो इसीलिए कान के साथ ध्यान भी रखिए कि टीम क्या कर रही है, कौन से विकेटों पे खेल रही है और कौन आपके उभरते हुए सितारे बन सकते हैं। तो रूल से वाकिफ है, आए जरा हम टीम बनाए, तो बताए आपके विकेट कीपर्स कौन है? मेरे विकेट कीपर्स है ऋषभ पंत, केएल राहुल, बैट्समैन है शिखर धवन, क्रिस गेल, पृथ्वी शॉ। मुझे लगता है ये सारे हमारे टॉप पिक्स में थे, बहुत अच्छा टॉप ऑर्डर हो गया, ये इनमें से कोई ना कोई जरूर आपके लिए फायर करेगा और आपको पॉइंट्स देगा। फिर ऑलराउंडर्स में से अक्षर पटेल, बड़े बड़े शातिर स्पिनर है और वो जो 15-20 रन जो बनाते हैं ना क्विक, वो भी बनाने के सक्षम रखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके देंगे। और फिर हमारे उभरते हुए सितारे हरप्रीत बुमराह, आपको देखिए ये देखना पड़ेगा ना कि ये, हाँ इन्होंने एबीडी को आउट किया, कोहली को आउट किया, मैक्सवेल को आउट किया, लेकिन उनका एटीट्यूड देखिए किस तरीके से अपना टेम्पोमेंट दिखा इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ, उससे मैं उनको पिक करूंगा। जैसे बल्लेबाजी में भी उन्होंने किया, गेंदबाजी में भी किया और फील्डिंग में भी आप देखेंगे एक बड़ा अच्छा कैच लिया बाउंड्री लाइन पे। तो इनका टेम्पोमेंट देखने से ना ऐसा लगता है कि ये आपको पॉइंट्स देंगे और जब देंगे ना छप्पर फाड़ के देंगे। बॉलर्स हैं आवेश खान, तगिश और रबाड़ा। रबाड़ा जिस तरीके से वो बॉलिंग किए पिछले मैच में और जो उनका जो फॉर्म वापस आ रहा है, तो उनको आप बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी इन, अगर आप बॉलरों में से देखेंगे तो रबाड़ा सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। फिर है हमारे मोहम्मद शमी, फिर रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई इसलिए, ये भी एक लड़के हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, वो उनके कैचेस देखिए, एक उन्होंने कैच पकड़ा और एक उन्होंने जो अटेम्प्ट किया था, तो उनका एटीट्यूड देखिए, टेम्पोमेंट, नए लड़कों का ना आप हमेशा टेम्पोमेंट देखिए, तो वो आपको शायद कंसिस्टेंटली टीम में खेले ना खेले या फिर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे ना करे, लेकिन जिस दिन करेंगे तो बड़ा करेंगे, क्योंकि उनका टेम्पोमेंट अच्छा है और वो ये वो कोशिश करते हैं कि उन्हें अपनी जो जगह है वो एस्टैब्लिश करते हैं, इसलिए वो फोकस्ड रहते हैं और 100% देने की कोशिश करते हैं हमेशा। कैप्टन, वाइस कैप्टन? मेरे कप्तान है केएल राहुल और वाइस कप्तान है पृथ्वी शॉ। प्रज्ञान ने जो टीम बनाई, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, उनके विकेट कीपर्स हैं ऋषभ पंत और केएल राहुल, इनके बैट्समैन हैं शिखर धवन, क्रिस गेल, पृथ्वी शॉ, बड़े बड़े नाम हैं, और राउंडर्स हैं इनके अक्षर पटेल और हरप्रीत ब्रार, और इनके बॉलर्स हैं आवेश खान, कगीजो रबाड़ा, मोहम्मद शामी और रवि बिश्नोई। इन्होंने कप्तान लिया है केएल राहुल और वाइस कैप्टन है इनके पृथ्वी शॉ। लुक्स लाइक अ गुड टीम प्रज्ञान, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। आई होप ये सारे टिप्स आपके काम में आए, यू नो द ड्रिल, अगर आपको पसंद आए ये टिप्स, आपकी टीम जीते, आपको पॉइंट्स मिले, तो आपको बस कुछ नहीं कमेंट सेक्शन में लिखना है अपना फीडबैक, और तब तक स्टे ट्यून्ड टू स्पोर्ट्स कीड़ा, जल्द मुलाकात होगी वापस।